जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर सभी पशुपालक भाइयों के साथ आज फिर से एक और नई जो है जानकारी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि समय समय पर मैं आपके साथ चैनल के माध्यम से डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारियां देता भी रहता हूं। कुछ भाई उन्हें जो है बार बार फिर उन पर कमेंट भी करते रहते हैं किसी दूसरी जो है जानकारी को लेकर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पशु जब हमारा हिट में नहीं आता, डिलीवरी के बाद फार्मर ये सोचता है कि मेरा पशु डेढ़ या दो महीने बाद हिट में आ जाए और मैं उसको कंसीव करवा के एक साल में जो बच्चा लेने की पशु से प्रक्रिया है उसी को फॉलो करता रहूं। तो आप सारी चीजें पशु को दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, खनिज मिश्रण दे रहे हैं, वाइटमिन दे रहे हैं, सारी चीजें जो है पशु को रूटीनल खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पशु हिट में नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में आपने YouTube पर काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि आप पशु को ये खिलाएं, आप पशु को वो खिलाएं, आपका पशु हिट में आ जाएगा। तो चैनल के माध्यम से आज मैं आपको लाइव जो है एक चीज दिखा रहा हूं कि इसको खिलाने से पशु जो है कब तक हिट में आएगा और जो है कैसे आपको ये चीज खिलानी है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखें और साथ के साथ जो भाई चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जिन्होंने चैनल पर विजिट किया वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाले हुए हैं, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच सकते हो। और एक बात और मैं बता दूं, जो भाई बुलों की फोटो मांगते रहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आपको हरेक सीमन बैंक के मोस्टली बुलों की फोटो मिल जाएगी, तो वहां से आप बुलों की फोटो भी देख सकते हो। अगर उनके डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पर डिटेल देख सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि आप पशु को जो है क्या खिलाएं कि पशु आपका जल्दी हिट में आ जाएगा। तो अब आपको क्या कर लेना है, आप ये जो जायफल देख रहे हैं पहले इसको किस प्रकार से आपको तैयार करना पशु को देने के लिए, या तो आप जो है देख रहे हैं चैनल स्क्रीन पर इसको तवे को गर्म करके और तवे पर इसको रख के इधर उधर से चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी इसमें आँच लगा दे, क्योंकि ये ज़्यादा कठोर होता है, थोड़ी सी आँच लगने के बाद ये अच्छे तरीके से कूटने में आसानी आपको हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप जब तवा उतार के जो है आग से नीचे तो ऐसे इसको जो है पकड़ के चिमटे वगैरह किसी चीज़ की सहायता से, और फिर आप इसको जो है इधर उधर से जो है चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा जो है पक्का हुआ आप इसको बना करके और फिर इसको कूट के खिला सकते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अभी आपको पशु को खिलाना कैसे। लेकिन अगर इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं चैनल स्क्रीन पर, पानी इसके अंदर 6.23 ग्राम कैलोरीज होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर, शुगर, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, सिलेनियम, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, कोलिन, विटामिन आर, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, विटामिन ए इंटरनेशनल यूनिट होती है इसके अंदर। तो ये तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो है इसमें मात्रा हो गई न्यूट्रिशंस की। और अगर इसके तासीर की बात करें तो बहुत गर्म तासीर का होता है, तो पशु को आप 3 जायफल से ज़्यादा नहीं खिलाएं। तो जो है 3 जायफल आपको 15-20 रुपए में किसी भी जो है मार्केट में पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी भी भैंस पता नहीं इफ़ेक्ट क्या हुआ है, हीट में नहीं आई है, तो काफ़ी सारे भाई बोलते भी हैं इसको कि ऐसे खिलाएं, तो मैं आपको खिला के अब दिखाऊँगा और ये हिट में कितने टाइम बाद आएगी वो भी दिखाऊंगा। और इसका कोई भी जो है हार्मोनल इफ़ेक्ट नहीं, हार्मोन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता, हार्मोन ऊपर ज़्यादा नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से जो है भैंस या गाय आपकी हिट में आएगी। गाय को भी आप इसको दे सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा ना दें, 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपको देना और किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो अब ये जो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से पक के जो है थोड़ा सा जो है भुना हुआ भून करके आपको इसको जो है अच्छे तरीके से कूट के और फिर जो है आपको इसको खिलाना है। और अब ये तैयार हो गया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको आगे कैसे करना है। अब जो है आपको इसे कूट लेना है, तो इस प्रकार से आप इसे कूट लें, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पशु को आप इसे गुड़ में भी खिला सकते हैं, बिल्कुल बारीक आप इसको कूट के। और अगर आपका पशु वैसे खा रहा है तो आप इसको जो है पशु को वैसे भी
की ला दें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल भी पशु को आएगी, तो इसलिए हो सकता है पशु इसको खाए ना। तो ये देखिए अब मेरे को भी इसमें से स्मेल आ रही है, तो पशु हो सकता है इसको जो है खाए ना। तो थोड़ा सा कुटाई अच्छे तरीके से नहीं हो, थोड़ा इसमें मैं आटा मिला रहा हूँ, थोड़ा सा ये सूखा सूखा सा हो जाएगा और अच्छे तरीके से जाए, फिर इसकी कुटाई हो जाएगी और बहन इसको अच्छे तरीके से खा लेगी। तो इसको देने से मैं अगर बात करूँ तो जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो आप पशु को ये 3 जायफल से ज़्यादा नहीं खिलाए। तो ये देखिए अभी ये अच्छे तरीके से कूट के तैयार हो गया। अब इसमें मैं कर रहा हूँ मिक्स से आटा, आप चोकर मिक्स करना चाहते तो चोकर मिक्स कर लें, अगर गुड़ के पेड़िया बनाकर अगर आप पशु को खिलाना चाहते हैं तो वो खिला सकते हैं। तो ये देखें तो ऐसे पशु को आप इसको खिला सकते हैं, जिससे इसमें स्मेल कम आए और पशु अच्छे तरीके से खा ले। तो पशु इसको खिलाने के 10 से 15 दिन के अंदर जो है हीट में आ जाएगा। और अगर मान के चले जिससे जिस भैंस को मैं ये खिलाने अब जा रहा हूँ तो वो अगर हीट में भी आ गई, अगर इस क्योंकि और तो मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको फिर ज़रूर बताऊँगा। तो अब मैं अपनी जो है झोटी को ये खिलाने जा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो, चले चढ़ो चल चल। तो ये देखिए जी, तो ये अब इसमें मिक्स हो गया और इससे स्मेल भी नहीं आ रही है। तो अब ये देखिए खा रही है, क्योंकि ये ऐसी है जो है जल्दी से खाती नहीं है। ये देखिए ये खराब करने की कोशिश में है, इसको इधर उधर गिरा रही है। तो ये आप, तो ये चीज़ें आप अपने पशु को अगर जायफल आपको किस हिसाब से खिलाना वो भी मैं आपको बता दूँ। एक आज आपने खिला दिया, और ये भी मैं बता दूँ कि किसी भी टाइम खिला सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग या जो है दोपहर में, तो आप किसी टाइम भी खिला सकते हैं। और जो 3 आपको खिलाने हैं, एक दिन छोड़ कर, एक दिन पहले दिन, फिर दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन, तीसरा दिन छोड़ के जो है चौथे दिन, तो 3 आपको खिलाने हैं। पहला छोड़ के दूसरा पहला पहले दिन खिला के, दूसरा छोड़ के तीसरे दिन, तीसरा दिन खिला के, चौथा दिन छोड़ के पाँचवें दिन, तो एक हफ्ते में आपके 3 कवर हो जाएंगे। तो हो सकता है पशु ये खिलाते खिलाते भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के शाइन आपको लगे, एक्टिविटी करने लगे। तो इसको खिलाने से कितना बेनिफिट होगा, पशु किस प्रकार से हीट में आता है, ये चीज मैं अगली वीडियो में जब ये हीट में आएगी तो मैं आपको ये चीज जो है जरूर दिखाऊंगा। तो सभी देखने वालों से मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, और जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की अपडेट मिलते रहे। और मेरे हिसाब से इस चीज का जायफल का क्या रिजल्ट होगा, इसके बाद आपको जायफल के बारे में जो है कोई डाउट नहीं रहेगा कि भी पशु को दिलाने से एक्चुअल में हीट में आता है या लोग वैसे ही कहते हैं।